गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी कुछ नया सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कि आज की कक्षा शुरू किया जाए, आप सब बताएं कि जो भी आज तक सिखाया गया है, क्या आप सभी को याद है या नहीं। आइए वीडियो को देखकर अब सीखते हैं कि पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। आपको अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेके आना है। आप अपने पॉइंटर को टच पैड या माउस के द्वारा स्टार्ट बटन पर लेकर आएं और फिर यहाँ पे लेफ्ट बटन को क्लिक करें, जिससे कि एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपको ऑल प्रोग्राम लिखे हुए ऑप्शन पे अपने पॉइंटर को लाना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है। इस बॉक्स के अंदर आपको एसोसरीज लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस बॉक्स के अंदर आपको पेंट लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहां पर अपने पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी पेंट की फाइल ओपन हो जाएगी। आज की कक्षा में आप सभी कीबोर्ड के बारे में सीखेंगे। कीबोर्ड क्या होता है, अल्फाबेट कीज क्या होती हैं और इनका उपयोग कैसे करते हैं, नंबर कीज क्या होती हैं और इनका उपयोग कैसे करते हैं, स्पेशल कीज क्या होती हैं और इनका उपयोग कैसे करते हैं, एंटर बटन क्या होता है, स्पेस बार बटन क्या होता है, बैक स्पेस बटन क्या होता है, डिलीट बटन क्या होता है और सबसे बाद में टेक्स्ट टूल क्या होता है और इसका उपयोग क्यों करते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसमें बहुत सारी की होती है। ये की लगभग एक नॉर्मल कीबोर्ड में 101 से लेकर 105 तक होती है। अगर आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में काउंट करेंगे तो आप सभी सोच रहे होंगे कि टोटल की तो 80 से 85 के लगभग है, लेकिन उन की के ऊपर भी कुछ सिंबल दिए गए हैं जो कि की में ही आते हैं। इस तरह से एक नॉर्मल कीबोर्ड में 101 से लेकर 105 तक कीज होती हैं। कीबोर्ड टाइपिंग करने में हमारी मदद करता है। यहाँ पर टाइपिंग करने का अर्थ है कि कीबोर्ड के द्वारा आप सभी किसी का नाम, स्पेलिंग, काउंटिंग इत्यादि टाइप करते हैं। कीबोर्ड में जो कीज होती हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि एंटर, डिलीट, स्पेस बार, एक्सेट्रा। इन कीज का उपयोग अलग-अलग जगह पर कर सकते हैं। इनका उपयोग आप सब अगले स्लाइड में सीखेंगे। कीबोर्ड में अल्फाबेट, सिंबल, एरोज की फंक्शन कीज होती हैं। इस स्लाइड में अल्फाबेट्स के बारे में जानेंगे। क्या आप सभी जानते हैं कि अल्फाबेट क्या होते हैं? अल्फाबेट ए से जेड तक होते हैं, पर कीबोर्ड में अल्फाबेट्स की क्यू से लेकर एम तक होती हैं। कीबोर्ड की मदद से हम टेक्स्ट और पैराग्राफ टाइप अथवा लिख सकते हैं। अब आप सभी नंबर की के बारे में सीखेंगे कि नंबर की क्या होता है। नंबर की को डिजिट की भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि नंबर की कितने और कहाँ से शुरू होते हैं? कंप्यूटर के कीबोर्ड में नंबर एक से शुरू होता है और जीरो पर खत्म होता है। अगर आपको नंबर लिखना है तो आप सभी क्या करेंगे? हम नंबर की को एक-एक बार दबाकर टाइप करेंगे। अगर आपको 50 लिखना हो तो कौन-कौन सी की प्रेस करेंगे? पहले आप 5 को प्रेस करेंगे, फिर 0 को। इस तरह से आपका नंबर टाइप होगा। आप सबने अल्फाबेट और नंबर की के बारे में सीख लिया है। अब आप सब स्पेशल की के बारे में सीखेंगे। स्पेशल की नंबर की और अल्फाबेट की को छोड़कर बाकी सभी स्पेशल की होती हैं।
स्पेशल की का उपयोग आप सब अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। कुछ स्पेशल की के बारे में आप सब आज सीखेंगे और बाकी के स्पेशल कीज के बारे में जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप सभी सीखते जाएंगे। सामने दिखाए गए चित्र को देखें। स्पेशल की को एक रेड कलर के गोला से आपको दिखाया गया है। ये सारी आपके स्पेशल कीज हैं। इस चित्र में हम स्पेस बार की के बारे में सीखेंगे। स्पेस बार की से दो वर्ड के बीच में जगह देते हैं, जैसे आप सभी अपने फर्स्ट नेम और मिडिल नेम के बीच में जगह छोड़ देते हैं, वैसे ही नोटबुक में भी कुछ लिखने के बाद जगह देना हो तो हम स्पेस बार की का उपयोग करेंगे। स्पेस बार की आपके कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है। अब हम बैक स्पेस की के बारे में सीखेंगे। बैक स्पेस की से गलती से टाइप हुए वर्ड को मिटाने या डिलीट करने हेतु उपयोग करते हैं। लाइन टाइप करते समय कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। इन गलतियों को ठीक करने के लिए हम बैक स्पेस से कर्सर के लेफ्ट के वर्ड को मिटाते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि बैक स्पेस की से कर्सर के पीछे का वर्ड को डिलीट करते हैं। दिए गए चित्र को देखें, इसे डिलीट बटन कहते हैं। इसके द्वारा कर्सर के राइट साइड यानी कि आगे के तरफ के वर्ड को मिटाते हैं। दिए गए चित्र में जो कि आपको दिखाया गया है उसे एंटर की कहते हैं। क्या आप सब बता सकते हैं एंटर की का उपयोग क्यों करते हैं? एंटर की का उपयोग हम नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए करते हैं या आपने पहले लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए करते हैं। अब आप सब सामने दिखाए गए पिक्चर को ध्यान से देखें। इसे टूल बॉक्स कहते हैं। टूल बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ टूल होगा। इस टूल को टेक्स टूल कहते हैं। टेक्स टूल की मदद से हम पेंट की सीट पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सबको इस टूल को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद अपने पेंट की सीट पर उस जगह पर लेफ्ट बटन से क्लिक करना होता है जहां पर आप सबको लिखना होता है। जैसे हम टेक्स्ट टूल से सीट पर क्लिक करेंगे तो आप सबके सामने एक बॉक्स आ जाएगा और जो कुछ भी आप सब टाइप करेंगे उस बॉक्स में आ जाएगा। ध्यान रहे, टाइपिंग करते समय गलती से भी ये बॉक्स नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस बॉक्स से बाहर क्लिक कर दिया तो ये बॉक्स हट जाएगा और आप जो टाइप कर रहे होंगे वो फिर दोबारा बदल नहीं सकता है। आइए अब टेक्स्ट टूल की मदद से टाइप करना शुरू करते हैं। आइए अब हम वीडियो के माध्यम से सीखते हैं कि पेंट के शीट में टेक्स्ट टूल के द्वारा कैसे टाइप करते हैं। सबसे पहले आप अपने कर्सर को टूल बॉक्स के अंदर जो कि ए लिखा हुआ है उसे टेक्स्ट टूल कहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर अपने कर्सर को शीट पर लेकर आएंगे, उसके बाद ऐसे ड्रैग करेंगे, फिर दोनों हाथ को हटा लेंगे टच पैड से। अब आपके सामने एक बॉक्स दिख रहा होगा। बॉक्स के अंदर एक लाइन अप एंड डाउन हो रहा होगा, उसमें आपको टाइप करना है। फर्स्ट वर्ड टाइप करने के बाद आपको बीच में स्पेस देना है स्पेस बार से। फिर उसके बाद नेम लिखना है, नेम के बाद स्पेस देना है। अब इस लिखने के बाद फिर स्पेस,
ये पहला लाइन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आपको एंटर बटन का प्रयोग करना है। अभी दूसरी लाइन शुरू हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जैसे कि सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है। हर वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का प्रयोग करेंगे। जैसे लाइन कंप्लीट हो जाएगी, दूसरी लाइन में जाने के लिए आप सभी एंटर बटन का प्रयोग करेंगे। तीसरी लाइन में आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, जो कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर किसी बच्चे को टाइप करने में कोई समस्या हो रही हो तो अपने टीचर से संपर्क करें। फिर नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर बटन का प्रयोग करें। इस तरह से हम अपने पेंट की सीट में टाइप करना सीख जाएंगे, क्योंकि जब आप सब कंट्रोल ए डिलीट करते हैं तो वह टूल अनसेलेक्ट हो जाता है। टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करने के बाद अपने सीट पर क्लिक करें और फिर सामने दिखाए जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखें। क्या आप सब बता सकते हैं सामने जो चित्र दिखाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? सामने दिखाया जा रहा चित्र कैट का है। अब आप सब कैट टाइप करें। उसके बाद अगले लाइन में जाने के लिए एंटर बटन का प्रयोग करें। अगले पिक्चर को देखें और एलिफेंट टाइप करें। फिर एंटर बटन का प्रयोग करें और उसके बाद बटरफ्लाई टाइप करें। अब आपको होम टाइप करना है। फिर अब आप एंटर बटन का प्रयोग करें और कार टाइप करें। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। सभी अपनी अपनी फाइल को क्लोज करेंगे। आइए अब सीखते हैं कि फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। पेंट की फाइल को क्लोज करने के लिए आप अपने कर्सर को क्लोज बटन पे, जो कि ऊपर दाहिने साइड कोने में है, यहाँ पर लेकर आए। जैसे ही आप अपने पॉइंटर को यहाँ पे लाएंगे, क्लोज लिखा हुआ एक बॉक्स आएगा, उस पर क्लोज करें और फिर आपके पेज पर ऐसा बॉक्स आएगा जिसमें कि तीन ऑप्शन दिए गए हैं, सेव, डोंट सेव, कैंसिल। क्योंकि आपको इस फाइल को सेव नहीं करना है, इसलिए आप डोंट सेव पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपकी पेंट की फाइल क्लोज हो जाएगी, आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर आएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद इस स्टार्ट बटन पर अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें। जैसे ही आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शटडाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहां पे अपने पॉइंटर को लेकर जाना है। इस शटडाउन ऑप्शन पे पॉइंटर रखने के बाद अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आप का कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। आज की कक्षा में आप सभी ने कीबोर्ड के बारे में सीखा, टेक्स्ट टूल के बारे में सीखा। टेक्स्ट टूल की मदद से
आप सबने पेंट की फाइल में कैसे टाइप करते हैं यह भी सीखा, और इसके साथ साथ कीबोर्ड में कुछ महत्वपूर्ण कीज के बारे में भी सीखा। ये की कुछ इस प्रकार से थी: अल्फाबेट्स, नंबर, एंटर, बैक स्पेस और स्पेशल कीज।